हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। सी आई एस एफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं और जो 892 892 कैंडिडेट्स हमारे पास हुए हैं उनका मेडिकल फिट होने के साथ ही वो भर्ती हो जाएंगे, उनको वर्दी मिल जाएगी। अब एक तो इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि मेडिकल क्या जीडी के लेवल का ही होता है या ट्रेड्समैन का मेडिकल नॉर्मल होता है। कुछ भ्रांतियाँ ये भी हैं कि सी आई एस एफ का मेडिकल तो बहुत नॉर्मल होता है, सी आई एस एफ में तो यदि मेडिकल हार्ड होता तो सी आई एस एफ भी 3 गुना कैंडिडेट्स का मेडिकल करती या SSC GD की तरह 3 गुना का करती या जैसा ITBP करती है 120% का करती या BSF जैसे 3 गुना का करती है। तो ये आपको बता दूं कि ये भ्रांति नहीं रखनी है। मेडिकल गाइडलाइन चाहे वो सी आई एस एफ ट्रेड्समैन हो, चाहे SSC GD हो या CAPF सहायक कमांडेंट या CPO सब इंस्पेक्टर, सबके लिए सेम ही है। कोई फोर्स 3 गुना का मेडिकल करती है, कोई सिर्फ 100 का ही मेडिकल करती है और कोई 120% का मेडिकल करती है। ये सब फोर्स का मेडिकल पॉलिसी होता है, उस पर डिपेंड करता है। CISF जितना कैंडिडेट उनको भर्ती करना है उतना का ही मेडिकल करेगी। ये आज से नहीं है, पिछले 15 सालों से यही प्रोसेस चली आ रही है। अब मेडिकल में क्या होगा, मेडिकल में आपका फर्स्ट डे आपका मेडिकल होता है, सेकंड डे। अब तक क्या प्रोसेस था वो आपको बता देते हैं कि अब तक जो आप देख रहे हैं, देखिए ये एक मेमोरेंडम ऑफ अनफिट का आप एक पेपर देख रहे हैं, ये SSC GD के कैंडिडेट का मेडिकल है ये। अब इसमें क्या हुआ कि ये अब तक CAPF सहायक कमांडेंट से लेकर ट्रेड्समैन तक यही प्रोसेस होता था कि यदि आप फिट हो जाते हैं आपको कोई लेटर नहीं दिया जाता था, आपको फिट बता दिया जाता। SSC GD में कुछ सेंटर्स पर फिट कैंडिडेट्स को पेपर दिया था, उनको फिट लिखकर लिखा हुआ भी दिया था, लेकिन फिट मैक्सिमम सेंटर्स पे नहीं दिया। अनफिट हो गए उनको ये पेपर दे दिया गया, उनको रीज़न बताया गया कि आप किस वजह से अनफिट हुए हैं और अनफिटनेस के छोटे छोटे कारण जिनकी वजह से वर्दी का सपना टूट गया वो आपको यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए यह है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया जो आपका धड़कन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, नॉर्मल से जो नॉर्मल रेंज से ऊपर निकल गया। हर चीज़ का क्राइटेरिया फिक्स है, नॉर्मल वैल्यूज़ हैं मेडिकल गाइडलाइन में, उससे ऊपर या नीचे होता है तो वहाँ पर आप अनफिट हो जाते हैं। ये टैकीकार्डिया एक ऐसा पॉइंट है कि इसमें ये ट्रीटमेंट ले सकते थे, इनको पता नहीं चला। पहली बार मेडिकल में जाने वाले जो हमारे साथी हैं, धड़कन ऊपर नीचे होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है, ये फिट हो सकते थे लेकिन इनको देखिए। अब तक क्या था प्रोसेस, अब तक प्रोसेस था कि ये पेपर मिल गया, उसके बाद आप सिविल हॉस्पिटल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ से इसका फिटनेस लेंगे। आप फिटनेस लेने के लिए आपको सिविल डॉक्टर के बड़े चक्कर लगाने होते थे, उसका वो डायग्नोसिस भी करते थे, उसके इन्वेस्टिगेशंस करते थे और यदि आप फिट हैं तो ही आपको सर्टिफिकेट मिल पाता था, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी, ये समझिए कि आप यहाँ पर अनफिट हो गए तो आपकी उम्मीदवारी ख़त्म हो गई। लेकिन फिर भी एक कैंडिडेट प्रयास करता था, 15 दिन का समय मिलता था, 15 दिन में कुछ ट्रीटमेंट लेकर सिविल डॉक्टर भी ये सोचते थे कि चलो ठीक है हमारे लिखने से यदि इनको दोबारा मौका मिल जाता है मेडिकल में शामिल होने का। अब अपील कर दिया आपने, अपील आपकी स्वीकार हो गई, उसके बाद आपका री मेडिकल आता था। री मेडिकल में मेडिकल सूटेबिलिटी फिर 3 डॉक्टर्स के बोर्ड ने चेक करनी थी, 3 डॉक्टर के बोर्ड यदि आपको क्लियर कर देते आप फिट हो जाते। लेकिन अब जो 30 मई 2021 का जो शुद्धि पत्र है उसके अनुसार री मेडिकल के लिए समय नहीं दिया जाएगा। टैकीकार्डिया आपका चेक होगा, पहले दिन आपका टैकीकार्डिया डिटेक्ट होता है, दूसरे दिन भी आपको 24 घंटे के अंदर अंदर ITBP ने इसका रूल क्लियर कर दिया है, उसका शुद्धि पत्र जारी कर दिया है और SSC GD 2021 में भी यही प्रोसेस है। CISF में भी देखिए अभी शुद्धि पत्र आ जाएगा, लेकिन जहां तक संभावना है यही प्रोसेस होगा, री मेडिकल के लिए समय नहीं मिलेगा। टैकीकार्डिया आपका आज टैकीकार्डिया डिटेक्ट हो गया, कल आपको फिर से बुलाया जाएगा, फिर आपका चेकअप होगा, टैकीकार्डिया फिर आ गया, आपको पता नहीं चलेगा, एकदम से झटका आपको लगेगा और जो 892 में अभी आप शामिल हो गए हैं उसका आपको बड़ा अफसोस होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि अब मेडिकल गाइडलाइन में जो संशोधन किया है, मेडिकल के पॉइंट्स हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। देखिए अब इनका पॉइंट है, एक तो DNS है, इनको नाक में इनको प्रॉब्लम है DNS और रप्चर ऑफ टेम्पनिक मेम्ब्रेन, कान के पर्दे में इनको प्रॉब्लम है। DNS भी ये ट्रीटमेंट ले सकते थे, पहले से पता होता। प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल के फायदे हम दोस्तों आपको बता रहे हैं कि आप फिजिकल करते हैं, बहुत अच्छी तैयारी है, आप
रिटर्न की बहुत अच्छी तैयारी है, बड़ा कोचिंग किया आपने, क्लासेस किया, सब कुछ किया, लेकिन लास्ट मोमेंट में आपको पता नहीं होता कि मुझे वाकई डीएनएस है, और उसकी इसमें ये बच सकते थे, ये फिट हो जाते, बाद में भी ये हो सकता है फिट हो गया हूँ, क्योंकि एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 में काफ़ी समय मिला था री मेडिकल होने में, बाद में 9 महीने का समय मिल गया था, तो कैंडिडेट्स बहुत सारे सर्जरी करवा के भी फिट हो गए, लेकिन अब ऐसा मौका नहीं मिलेगा, सर्जरी और ये सब का समय जो है अब गया। अब इनको देखिए कितना पॉइंट मिला इनको, देखिए स्क्विंट प्रेजेंट, तो स्क्विंट का ये प्रैक्टिस करके ठीक हो सकते हैं। अब इनके जो पॉइंट है वही आपको बता देते, स्क्विंट यदि पहले से पता होता प्रैक्टिस करके क्लियर हो जाता। कन्वर्जेंस डिफेक्ट आंख में दूसरा एक पॉइंट बन गया, ये भी प्रैक्टिस से ठीक हो जाता। टैकीकार्डिया धड़कन, जब पॉइंट बनना शुरू होता है तो धड़कन अपने आप ही ऊपर नीचे हो जाती है, पल्स इनका ऊपर नीचे है। ट्रेमोर्स है इनको, वो भी प्रेजेंट है। नॉकनी इनका है, इसको भी एक्सरसाइज करके फिट किया जा सकता था। और टैटू भी इनको एक है, ये टैटू पहले से ही रिमूव करवा के जाते तो फिट हो जाते। पांच पांच पॉइंट मिल गया, तो ये तो पांच पांच पॉइंट मिल गया, तो इसमें तो 15 दिन का समय निकल जाता था, फिटनेस नहीं मिल पाता। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है, डिफेक्टिव कलर विजन, डिफेक्टिव कलर विजन, अब ये किस लेवल का है, कई बार आप पहली बार मेडिकल में जाते हैं, आपको नहीं पता होता इशारिया बुक में कितना प्लेट ब्लैंक है, कितना प्लेट जो है उस पर वो लाइनिंग है, वो आपको जानकारी नहीं होती, और वहाँ आप धोखा खा जाते हैं। ये दूसरा इनको शोल्डर में प्रॉब्लम है, ये भी एक्सरसाइज से ठीक हो सकता था। और स्क्वैटिंग ये नहीं कर सकते, यानी कि स्क्वैट स्क्वैट नहीं कर सकते वो भी, तो ये स्क्वैट भी प्रैक्टिस करके ठीक हो सकते थे। कलर विजन को छोड़कर बाकी तो दोनों पॉइंट हैं वो ये प्रैक्टिस से इनके फिट हो जाते हैं, इनको पहले से पता होता। इसीलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल चेकअप आपका बिल्कुल होना चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि मेरा बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट ले सकें, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिकॉशन ले सकें, क्योंकि अब लास्ट मोमेंट में यदि आप आउट हो गए सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। विटिलिगो, देखिए विटिलिगो ऐसा पॉइंट है कि इसमें भी कुछ कैंडिडेट्स हमारे एसएससी जीडी में फिट हो गए, इस पर पेंट लगवा के फिट हो गए, इसका ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इस पर जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं वो ऐसा पेंट स्किन कलर का उस पर करते हैं, वो पेंट आप नहीं लगा सकते। कुछ हमारे साथी ऐसे भी थे जो दिल्ली से वो पेंट ले आए कि हम वापस दिल्ली नहीं आना पड़े हमें, उन्होंने कहीं स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट किया, उन्होंने कहा कि जब आपका मेडिकल होता है तो उससे 2 दिन 5 दिन पहले फिर आ जाना, उन्होंने कहा नहीं हमें पेंट हमें ही दे दीजिए हम घर पर लगा लेंगे, वो घर पर लगा के गए वो, लेकिन वो कारगर नहीं है। ये देखिए स्कार मार्क विद बोनी गैप ऑन पल्पेशन ऑन अपर पार्ट ऑफ स्कैपुला और स्मॉल कैविटेशन इन राइट, ये इनका एक्सरे पीएवी में प्रॉब्लम है। एक्सरे चेस्ट यदि पहले से करवा के देखा होता तो इसका प्रिकॉशन ले सकते थे, इसका भी प्रिकॉशन ले सकते थे, लेकिन सारी मेहनत बेकार हो जाती है। डिफेक्टिव विजन है, डिफेक्टिव विजन बोथ आई 6x6 दोनों होना चाहिए, या एक आंख 6x6, मास्टर आंख 6x6 और दूसरा आंख 6x9, लेकिन दोनों ही यदि 6x9 है प्रॉब्लम हो जाएगी। पहली बार मेडिकल में कैंडिडेट जाते हैं पता नहीं होता, वहाँ पर छोटा छोटा कन्फ्यूजन, आंख को आप दबा लेते हैं, आपको ये नहीं पता होता कहाँ से शुरू करना है, आप थोड़ा थोड़ा सा आप झिझक गए उसमें आपको पॉइंट बन जाता है। ओवर वेट, अब देखिए ओवर वेट, ओवर वेट के अभी आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के कैंडिडेट हमारे पास में सेंटर पर हैं, और हम उनका वेट का जो है तैयारी हम कर रहे हैं। 10 kg ओवर वेट, अभी भी कल भी एक कैंडिडेट जो है वो हमें मैसेज कर रहे थे कि 10 kg ओवर वेट अब भी है, 3 तारीख को मेडिकल है, 10 kg ओवर वेट तो देखिए नहीं टूटेगा अभी, जो 10 दिन का समय है, 11 दिन का समय है उनके पास में, और रात में वो मैसेज कर रहे थे कि 10 kg ओवर वेट है। यदि ओवर वेट है तो 1 तारीख को रिजल्ट आ गया, 30 जून को रिजल्ट आ गया था, उसी दिन से कोशिश करना शुरू करते। अब कहते हैं साहब मेरा कम नहीं हो रहा है, मैंने पूछा कितना आप रनिंग करते हो, सर मैं 2 किलोमीटर रनिंग करता हूँ, 2 किलोमीटर रनिंग से 10 kg कैसे कम होगा, 1 किलो कम नहीं हो पाएगा। 10 किलो के लिए कम से कम 20 किलोमीटर रनिंग जो है इनको करनी चाहिए थी, इसके अलावा साइकिलिंग, पूरे दिन का पसीना, डाइट, ये सब जो है पूरा करते तो ये भी फिट हो जाते। 20 10 किलो वजन कम करना कोई मुश्किल नहीं है,
लेकिन ये अब नहीं कर पाएंगे और ये किसी दूसरे जो एक्सटेंडेड वाला कैंडिडेट जो है उसका भला कर जाएंगे। राइट साइड स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस का ऐसा पॉइंट है कि यदि आपको पहले से पता हो कि मुझे स्कोलियोसिस है, आप उसका एक्सरसाइज दे सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज करवाते हैं, आपका बॉडी का पॉस्चर गलत है वो भी कई बार परेशानी का सबब बन जाता है और ड्रॉपिंग शोल्डर। अब देखिए ये जो कैंडिडेट हैं इनके दोनों ही पॉइंट ऐसे हैं कि ये वाकई पॉइंट नहीं होंगे इनके, जो खड़ा रहने का तरीका होता है आपका बॉडी का पॉस्चर उसकी वजह से ये पॉइंट मिल जाता है। तो ये पहले से पता होने से इसका प्रिकॉशन लिया जा सकता है। ये देखिए फिर स्कोलियोसिस मिल गया, ये हाइपर पिगमेंटेड स्पॉट लेफ्ट फ्लैंक एरिया ऑफ बैक और मैल अलाइनमेंट ऑफ ऑर्बिट्स। ये पॉइंट्स दोस्तों ऐसे हैं कि हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स के छोटे छोटे पॉइंट्स पर वर्दी का सपना टूटते हुए देखा। एसएससी जीडी में 9 महीने का समय मिल गया, उसके बावजूद भी एक कैंडिडेट 5 किलो वजन कम नहीं कर पाए और वो आउट हो गए। अब जो जेन्यून पॉइंट है उस पर आपको, और अब तो देखिए इसके नियम ऐसे कर दिए गए हैं कि आपका वीडियोग्राफी होगा वहां पे, कि वीडियोग्राफी जो नए रिक्रूटमेंट रूल्स, नए मेडिकल गाइडलाइंस है उसमें क्लियर कट है कि मेडिकल प्रोसेस का वीडियोग्राफी करने का पूरा प्रयास किया जाए, ताकि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को कैंडिडेट रिट पिटिशंस दायर करते हैं, जो विवाद खड़ा होता है उसका, उसके लिए एक एक एविडेंस प्रोड्यूस किया जा सके कि हमने बिल्कुल सही तरीके से किया है। क्यूबिटस वल्गस एक्सरसाइज से बिल्कुल क्लियर हो जाता है, लेकिन इनको पता नहीं था, पहली बार मेडिकल में गए हैं वहां पर पता चला क्यूबिटस वल्गस है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो नॉर्मल फंक्शनिंग आपका डे टू डे लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यहां तक कि फिमोसिस जैसा प्रॉब्लम जो है उसमें भी कैंडिडेट 25 साल की उम्र हो गई, उसको पता नहीं चलता है कि फिमोसिस है और मेडिकल में पता चलता है। अब सर्जरी उनको करवाने, सर्जरी ही उसका एकमात्र सॉल्यूशन है सर्जरी का, लेकिन अब समय नहीं मिलेगा, अब री मेडिकल के लिए समय नहीं मिलेगा 24 आवर्स में। तो आज आपका जो पॉइंट है, चाहे वो फीमोसिस है, चाहे हाई ब्लड प्रेशर है, या आपके बॉडी पे टैटू है, टैटू अभी तक ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन के हमारे जो साथी हैं 2 तारीख से मेडिकल शुरू होने हैं, अभी तक टैटू रिमूव नहीं करवाए हैं। और कुछ तो देखिए ऐसे हैं कि जो एजेंट के झांसे में भी आ रखे हैं कि एजेंट ये कहता है कि मैं सब देख लूंगा, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं। तो ऐसा हमें तो नहीं लगता कि ऐसा कोई एजेंट मेडिकल अफसर को प्रभावित कर देगा कि जो टैटू बॉडी पर है और मेडिकल गाइडलाइन में साफ लिखा हुआ है कि टैटू क्लियर नहीं होगा, उसको कैसे वो फिट करवा देंगे। फ्लैट फुट एक्सरसाइज से ठीक हो सकता था, अब देखिए इनको प्रोटीन डिटेक्ट हो गया है इन यूरिन एग्जामिनेशन, प्रोटीन इनके यूरिन में आ गया है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब यूरिन टेस्ट हमारे पास भी कुछ कैंडिडेट्स आए थे मेडिकल के लिए, उनको भी प्रोटीन डिटेक्ट हो गया, तो उसके लिए डॉक्टर ट्रीटमेंट बता देते हैं उसका, उसका क्या इलाज करना है, उसका प्रोटीन आता क्यों है, ये सब चीज़ें बताने से अब उसका सॉल्यूशन हो जाएगा उसका। वरना आपका मेडिकल के दिन ही आपका ये प्रोटीन डिटेक्ट होगा तो दूसरे दिन फिर से एक टेस्ट होगा, उसमें भी प्रोटीन डिटेक्ट होगा और आप आउट हो जाएंगे, सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। अब ये देखिए सेल्फ कट, जो बॉडी पे खुद से कट लगा लिया जाता है उसका है, 2 सेंटीमीटर का एक स्कार है लेफ्ट फोरआर्म। अब राइट हैंड से जो काम करता है, राइट हैंडेड पर्सन है, वो कट लगाएगा खुद का बॉडी पे तो कहां लगाएगा, जाहिर सी बात है लेफ्ट पर ही कट लगेगा। ये कैंडिडेट्स भी फिट हुए कट वाले, लेकिन उसमें एक कहानी बनानी पड़ती है, आपको तैयारी उसकी करनी पड़ती है कि कट मुझे कैसे लगा, वाकई चोट लगा हुआ है, एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पर आपको पूरा पूरा तैयारी आप करके जाते हैं, सर मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं बाइक से गिर गया था या मैं पेड़ से गिर गया था, उस समय नीचे जो वायर मेशिंग कुछ पड़ा हुआ था ऐसा नुकीली चीज़ वो मेरे हाथ में चुप गई, वो आप बता सकते हैं। हेलॉक्स वल्गस का इनका पॉइंट है, वो भी एक्सरसाइज से ठीक हो सकता था, ये एक बहन का पॉइंट है और ये बाद में भर्ती भी नहीं हुई एसएससी जीडी का, ये दोनों, ये हलक्स वल्गस में इनको फिट कर दिया था, लेकिन ये जो कट मार्क वाला जो पॉइंट है उसमें इनको अनफिट कर दिया, रीमेडिकल में भी अनफिट हुए। स्क्विंट को प्रैक्टिस से ठीक किया जा सकता है, अभी आर्मी में स्क्विंट का प्रैक्टिस करके कैंडिडेट हमारे पास से फिट हो गए। एक्सरे चेस्ट, इसमें इनको सीपी एंगल उसमें ब्लंटिंग आया है तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। टैटू ऑन राइट फोरआर्म, टैटू इनको टैटू था, अब ठीक है, अब तक क्या होता था कि टैटू यदि है वाकई बॉडी पे तो उसको आप बाद में रीमेडिकल के लिए जाएंगे, रिमूव करवा के चले जाएंगे,
लेकिन अब आपको री मेडिकल का मौका नहीं मिलेगा। तो टैटू पहले से ही क्लियर करवा के जाए, टैटू आपने बनवा लिया बचपन में, आपकी दादी ने बनवा दिया, लेकिन अब वो टैटू आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दे। टैकीकार्डिया इनका 60 से 100 तक होना चाहिए, देखिए नॉर्मल रेंज लिखा हुआ है धड़कन का, और ये 126 हो गया। ये तो कई बार कैंडिडेट्स को क्या होता है कि घबराहट हो जाती है, उसकी वजह से भी हो जाता है। लेकिन यदि आपको वाकई प्रॉब्लम है तो इसके लिए आप टेबलेट ले सकते हैं, आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं इसका। हाइपर टेंशन है इनका 160, ब्लड प्रेशर 160/98 आया है, जबकि ये 140 और 90 से अबव नहीं होना चाहिए। टैकीकार्डिया भी इनका 120 आ गया है, और ये इनको राइट साइड में पैलिप्स है और डीएनएस का पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट तो देखिए ठीक है, हो सकता है वाकई हो, लेकिन इनका ट्रीटमेंट लेकर जा सकते थे, दोनों टेबलेट से क्लियर हो सकते थे। और यही वजह है कि प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल के लिए हम एडवाइस करते हैं। और ठीक है, आप पूरा प्री रिक्रूटमेंट भी नहीं करवा पाते हैं तो आपको ये सब ब्लड प्रेशर, धड़कन, ब्लड यूरिन, ये सब चीज़ें तो आपको जरूर क्लियर करवानी चाहिए। कैलोइड, अब इनको कैलोइड बना हुआ है राइट फोरआर्म, टैटू रिमूव करवाया था इन्होंने, टैटू रिमूव करवाया, उसका प्रॉब्लम हो गया, और हाइपोस्पैडिया। ये एक्चुअली पेनिस का इनका प्रॉब्लम है कि पेनिस का, तो इसका भी यदि पहले से पता होता है सर्जरी हो सकती है, कैलोइड का इंजेक्शन से कैलोइड क्लियर हो जाते हैं तो ये भी बच सकते थे। यहाँ पे पॉइंट नहीं मिलता, ये हो गया है। नॉकनी, इंट्रामलेरिया डिस्टेंस इनका 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, और जेन्यू वाल्गम का इनका पॉइंट बन गया, और दूसरा इनका कैरिंग एंगल का भी पॉइंट है, वो 20 डिग्री से ज़्यादा हो गया क्यूबिटस वल्गस, जबकि दोनों ही पॉइंट ऐसे हैं कि दोनों पॉस्चर से भी और दूसरा इसको एक्सरसाइज से क्लियर कर सकते हैं। इनका फिंगर्स में प्रॉब्लम था, तो वो फिंगर्स को भी फिजियोथेरेपिस्ट से एक्सरसाइज से ठीक किया जा सकता है। डिफॉर्मिटी ऑफ चेस्ट, अब ये चेस्ट जो है ये तो ठीक है, एक्चुअल डिफॉर्मिटी है तो इसका देखिए कुछ नहीं हो सकता। मेडिकल के पॉइंट आपके 3 भागों में बांटे जा सकते हैं। पहले पॉइंट वो हैं जो बिल्कुल क्लियर नहीं हो सकते, आप फिट नहीं हो सकते, तो उसमें हम कैंडिडेट को एडवाइस करते हैं कि आप इस रास्ते पर ना जाएं। दूसरे पॉइंट वो हैं जो आप मेडिसिन से, ट्रीटमेंट से, एक्सरसाइज से आप ठीक कर सकते हैं, तो वो आप ट्रीटमेंट ले लीजिए, मेडिसिन ले लीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए। और तीसरे पॉइंट वो हैं जहाँ आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके भी आप फिट हो जाते हैं, आपका जो बॉडी पॉस्चर, आपका स्कोलियोसिस जैसा पॉइंट है आपका, और आपका बॉडी पॉस्चर आपको ठीक तरीके से आप खड़े हो जाते हैं, वहाँ आप फिट हो जाएंगे। नॉकनी देखिए 7.5 सेंटीमीटर का इनका दिया है, मोर देन कितना 5 सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए। अब ये IMD कहाँ से नापा जाएगा ये आपको और हमें नहीं पता चलेगा, ये फिजियोथेरेपिस्ट या जो आपके मेडिकल अफसर हैं वो नापते हैं, कहाँ पर वो जो 5 सेंटीमीटर का जो लॉग है उसको रखना है वो आपको नहीं पता चलेगा। अब ये देखिए राइट एबनॉर्मल मिडिल फिंगर का प्रॉब्लम था, हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम था, हाइड्रोसिल यदि है तो उसका ट्रीटमेंट हो जाए। मिडिल फिंगर में भी इनका क्या प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग होगा, तो ये भी हाइड्रोसिल से बचा जा सकता था। यहाँ पे डिफेक्टिव कलर विजन, कलर विजन वाकई है तो देखिए फिट नहीं हो सकते, लेकिन कलर विजन में भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके उसका, उसको थोड़ा टेक्निक है उसका कि किस तरीके से उसको आपको प्लेट्स को पढ़ना है या क्या वहाँ पर नज़र आ रहा है, ये सब का इस्तेमाल करके आप फिट हो सकते हैं। हाइड्रोसिल है, बो लेग, बो लेग आप एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं, आपका खड़ा रहने का तरीका, वहाँ पर जब मेडिकल अफसर आपको चेक कर रहे होते हैं तो आपको किस तरीके से खड़े होना है उसमें आप बो लेग से बच सकते हैं। डिफेक्टिव कलर विजन ये हो गया है। डिफेक्टिव डिस्टेंट विजन, देखिए यहाँ पर इनका राइट आई 6/12 और लेफ्ट आई भी 6/12 और राइट हैंड रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। अब आप देख रहे हैं कि दोनों ही पॉइंट, अब 6/12 है तो पहले से यदि पता होता तो उसका लेजर भी करवा सकते थे, लेकिन री मेडिकल में लेजर कम डिटेक्ट हो जाएगा और लेजर अनफिट हो जाएगा, और अब तो ऐसा मौका ही नहीं मिलेगा आपको। पहले दिन आपका 6/12 आ गया, दूसरे दिन फिर चेक होगा वो भी 6/12 हो गया, या 6/9 हो गया तो भी आपको घर जाने के लिए ही बोला जाएगा, सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। हाइड्रोसिल है, बोल एग है, ये यहाँ पर देखिए मिनिमल इफेक्टिव पैथोलॉजी, ये इनका चेस्ट एक्सरे में प्रॉब्लम आ गया।
प्रोटीन, देखिए यूरिन में प्रोटीन डिटेक्ट हो गया और कीटोन्स डिटेक्ट हो गया और आरबीसी का जो रेंज है वो भी 5 to 7, ये सब इसमें आ गया माइक्रोस्कोपिक, यूरिन माइक्रोस्कोपिक में इनको एक प्रॉब्लम आ गया। और हाई बीपी है 162 से 100 और पल्स भी ज़्यादा है। यदि पहले से पता होता इसका भी ट्रीटमेंट हो जाता, इसका भी ट्रीटमेंट हो जाता, इसका भी ट्रीटमेंट हो जाता, बिल्कुल क्लियर हो जाते, सारी मेहनत बेकार हो गई। क्यूबिटस वल्गस नॉकनी मोर देन 5 सेंटीमीटर, दोनों ही पॉइंट ऐसे हैं कि जो एक्सरसाइज करके हमारे सेंटर पर कैंडिडेट्स आते हैं, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट इसके इन इन पॉइंट्स की गारंटी ले लेते हैं कि यदि अब तक ले लेते थे कि यदि आप फिट नहीं होंगे, री मेडिकल में आप फिट नहीं हुए, आपको पूरा फीस लौटा दिया जाएगा। लेकिन अब री मेडिकल का प्रोसेस ही ख़त्म कर दिया है, नई मेडिकल गाइडलाइन, आपका आज मेडिकल होता है कल आपका री मेडिकल हो जाएगा, आप उसमें फिट हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी यदि अनफिट हो जाते हैं तो आपको आउट कर दिया जाएगा। डीएनएस है, क्यूबिटस वल्गस है और ओवरवेट, अब देखिए ओवरवेट 74 kg, बहुत सारे हमारे साथी हमें पूछते हैं कि ओवरवेट मेरा वेट कितना होना चाहिए, मेरा हाइट। अब एक कैंडिडेट का तो प्रश्न देखिए बड़ा, जिसको कहते हैं ना स्टूपिड क्वेश्चंस होते हैं, ये सिली क्वेश्चंस, वो कहते हैं कि मेरा हाइट, मेरा वेट इतना है तो मेरा हाइट कितना होना चाहिए। अरे भैया हाइट कितना होना चाहिए नहीं, आप ये पूछिए कि मेरा हाइट इतना है तो मेरा वेट कितना होना चाहिए। क्या आप हाइट बढ़ाया घटा सकते हैं? नहीं बढ़ाया घटा सकते, आप वेट को बढ़ाया घटा सकते हैं। वेरिकोज वेन्स का पॉइंट मिल गया, क्या वेरिकोज वेन, तो सभी दिखने वाली नस वेरिकोज नहीं होती है, उसका कलर डॉपलर टेस्ट होता है। अब तक क्या होता था कि जैसे ही उभरी हुई नस दिखाई दी आपको मेडिकल का पॉइंट मिल गया, उसके बाद आप कलर डॉपलर टेस्ट, सिविल डॉक्टर से फिटनेस, ये सब चलता रहता था। लेकिन अब नया प्रोसेस क्या होगा, 2 तारीख को पहला मेडिकल नई मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आईटीबीपी ट्रेड्समैन का होना है, उसमें पता चलेगा वेरिकोज वेंस का पॉइंट मिलता है तो दूसरे दिन आपका कलर डॉपलर टेस्ट या स्पेशलिस्ट सर्जन जो होंगे वो उसको चेक करेंगे, और उसमें भी यदि कलर डॉपलर डिटेक्ट हो जाता है, कलर डॉपलर में डिटेक्ट हो जाता है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा, यदि वो नॉर्मल आ जाता है तो आप फिट हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि जिनमें आप बच सकते हैं, एक्सरसाइज से, मेडिसिन से, ट्रीटमेंट से, आपको पहले से पता हो आपका यूरिन में प्रोटीन डिटेक्ट हो रहा है तो उससे आप कैसे बच सकते हैं, ये सब के लिए ही इतना एक्सरसाइज हम भी बार बार आपको एडवाइस इसलिए करते हैं कि आपका छोटे छोटे पॉइंट्स की वजह से वर्दी का सपना टूट ना जाए। जो मेहनत आपने किया है, आप इस चरण तक आप पहुंचे हैं, तो आगे का देखिए, आगे का स्टेप भी जो है आपके क्लियर हो, मेडिकल आपका क्लियर हो, CISF ट्रेड्समैन हो चाहे ITBP ट्रेड्समैन हो, मेडिकल क्लियर होते ही कुछ हमारे साथी CISF में तो कुछ नहीं, सभी 100%, मेडिकल क्लियर हो गया भर्ती हैं आप, वर्दी मिल गया। ITBP ट्रेड्समैन में जो हमारे मैन लिस्ट के कैंडिडेट हैं वो मेडिकल फिट होते ही भर्ती हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों छोटी छोटी लापरवाही की वजह से आपका वर्दी का सपना नहीं टूट जाए, छोटे छोटे पॉइंट्स, ब्लड प्रेशर, टैकीकार्डिया जैसे पॉइंट जो हैं उनमें कहीं आपका मौका नहीं चला जाए, उससे बचना है। प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल चेकअप आप पूरा नहीं करवा सकते हैं तो भी आपको नॉर्मल रूटीन चेकअप जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो आपको जरूर करवाना चाहिए। विशेष रूप से हमारी बहनें जो है उनको इन्वेस्टिगेशन जरूर करवाने चाहिए, जो मैरिड हैं बहनें उनको एक प्रॉब्लम बड़ी आ जाती है कि उनका प्रेगनेंसी का भी उनका टेस्ट होता है और उसमें प्रॉब्लम, यदि उनको प्रेगनेंसी होती है तो अब उनको टेम्पररी अनफिट कर दिया जाएगा। टेम्पररी अनफिट सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है, बाकी टेम्पररी अनफिट नहीं है। तो दोस्तों अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है कि अब इस चरण तक मैं पहुँच गया हूँ, CISF ट्रेड्समैन में पास हो गया हूँ, मैं मैन लिस्ट में मेरा नाम आ गया है, तो अब मैं मेडिकल में मुझे अनफिट नहीं होना है, कहीं ऐसा ना हो कि ओवरवेट जैसे पॉइंट जो कि आपके हाथ में, ओवरवेट लूज करना देखिए किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, हमारे पास भी कैंडिडेट्स वेट लूज करने के लिए हमारे सेंटर पर आते हैं तो हम उनको भी यही बात बताते हैं कि वेट लूज करने का जो है एक्सरसाइज आपने करना है, हम एक्सरसाइज बता देंगे, आपका डाइट चार्ट, डाइट प्लान बता देंगे, आपको कितना रनिंग करना है वो बता देंगे, यहाँ तक कि मैं खुद साथ में रनिंग करता हूँ, लेकिन रनिंग तो कैंडिडेट नहीं करनी पड़ती। तो दोस्तों अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।